नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरे के बारे में। तो ये जो जीकेम का जो बिल्ड है दोस्तों, इस गूगल कैमरे के साथ जो है आप सिंपली बहुत ही बढ़िया नाइट फोटोग्राफी कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर इस जीकेम के साथ आपको यहाँ पर जो है DSLR जैसा फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है फोटो सैंपल को भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है जीकेम बैरियल का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हमारे पास है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस, देख सकते हो। यहाँ पर जो कुछ इस तरह से इस गूगल कैमरे के साथ जो है यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जीकेम के साथ जो है किस तरह से XML फाइल के ऊपर जो है इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो गूगल कैमरा है प्लस जो XML फाइल है, दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जगह जीकेम प्लस XML फाइल को डाउनलोड करना होगा। इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद अब इस जीकेम के साथ जो फोटो क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले इस जीकेम को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, ओपन करने के बाद जो है बट सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है सिंपली पर जो स्क्रॉल डाउन करना होगा, उसके बाद जो है ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद जो है सेव में टैप करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में जो है XML फाइल को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके XML फाइल को सिलेक्ट करना होगा। सिंपली पर जो है 3 डॉट में टैप करके कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके जीकेम करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस फोल्डर में जाके। उसके बाद जो है इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। तो ये जो XML फाइल है इसे सिंपली कॉपी करके जीकेम करके जो फोल्डर रहेगा उसके बाद इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फिर से गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर आपको 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो XML फाइल है उसे सिलेक्ट करने के बाद जो पर अपडेट का जो ऑप्शन है उसमें टैप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो XML फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर इस XML फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से क्वालिटी देने को मिलेगा, इस तरह से इस जो ऑप्शन से देने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इस XML फाइल के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले ये जो XML फाइल है मेनली यहाँ पर जो है नाइट फोटोग्राफी के लिए तैयार किया गया है। अगर आप लो लाइट के साथ फोटो को क्लिक करना चाहते हो, अगर आप नाइट फोटोग्राफी करना चाहते हो मोबाइल के साथ, तो अब इस XML फाइल को यूज कर सकते हो। प्लस फोटो के साथ जो काफी कम नॉइज देने को मिलता है, लेस नॉइज देने को मिल जाएगा। यानी पर जो मेनली मेन कैमरा के लिए इस XML फाइल को तैयार किया गया है, पर जो है लो लाइट के साथ अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो आप सिंपली पर जो नाइट साइड मोड को यूज करना चाहते हो। लो लाइट के लिए फोटो क्लिक करने के लिए नाइट साइड मोड को यूज करो, आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। प्लस आप जो है ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल कर सकते हो, पर ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो आप जो ऑटो वाइड बैलेंस को यूज कर सकते हो। प्लस पर जो फ्रंट कैमरा के साथ जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। लिप पैचर के साथ जो है फोटो का जो क्वालिटी इंक्रीज कर पाओगे, मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा। प्लस से पर जो है नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस जीकेम के साथ, काफी बढ़िया बात है। नंबर बात कर लेते हैं पर जो फोटो क्वालिटी के बारे में। तो हम जो है यहाँ पर आपके सामने लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले हैं इस गूगल कैमरा के साथ। देखते हैं इस गूगल कैमरा के साथ जो किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो 4:3 सिलेक्ट करते एंड यहाँ पर इमेज क्वालिटी के ऊपर जो हमने यहाँ पर HDR मोड को जो सिलेक्ट किया है, एनी पे पर जो ऑटो वाइड बैलेंस मोड का जो ऑप्शन से एनेबल है, प्लस HDR एनहांस मोड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ जो बेटर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक करते हैं। प्लस ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल किया है, ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो यहाँ पर जो एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा, नेचुरल कलर देने को मिलता है। तो जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है MI2 डिवाइस, तो इस डिवाइस का जो कुछ फोटो को क्लिक करने वाले देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो सेव होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक करते हैं ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड के साथ जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक होता है। एंड यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो और कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते एंड यहाँ पर हम जो आपके सामने लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले, सभी जो फोटो है हम आपके सामने लाइव यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं।
देखते हैं इस जीकैम के साथ जो किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड के साथ जो काफी फास्ट आप जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। तो जल्दी से कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम जो मल्टीपल फोटो क्लिक करने वाले हैं अलग अलग कैमरा एंगल के साथ, एंड देखते किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। देख सकते हो हमने जो ऑटो एड बैलेंस को इनेबल किया है, प्लस HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है इनेबल है। नाउ हमने यहाँ पर जो कुछ फोटो क्लिक किया है, देख लेते किस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकैम के साथ। सबसे पहले देख सकते हो कुछ इस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया आपको जो ब्राइटर फोटो देने को मिलता है, काफी हद तक जो कॉन्ट्रास्टी फोटो देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो काफी हद तक जो नेचुरल फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, पर नेचुरल कलर देने को मिल गया है, एक्यूरेट कलर देने को मिल गया है, कोई भी ग्रीन टिंट कैच देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है लो लाइट के साथ आपको यहाँ पर जो बेटर रीडिंग देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो है HDR एनहांस मोड भी काम करता है, प्लस आपको यहाँ पर जो काफी कम नॉइज देने को मिलता है, लेस नॉइज देने को मिलता है। एंड फोटो क्वालिटी जो काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा इस जीकैम के साथ। देख सकते हो जो रीडिंग है काफी बढ़िया है, डिफरेंटली आप इस जीकैम को यूज कर सकते हो इस जीकैम के साथ जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, टेलीफोटो लेंस एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस स्पेशली यहाँ पर जो है मेन लेंस के साथ जो फोटो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो लो लाइट के साथ आपको यहाँ पर जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगी, यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल गया है, काफी हद तक जो कॉन्ट्रास्टी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है इस गूगल कैमरा के साथ। यहाँ पर आपको बेटर कलर विद बेटर डीलिंग देने को मिलता है, फोटो के साथ जो कम नॉइज देने को मिल गया है, पर OIS EIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस स्टेबलेशन का जो ऑप्शन काम करता है। यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बढ़िया है, प्लस जो है आपको परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देने को मिल जाएगा इस गूगल कैमरा के साथ, इस XML फाइल के साथ। आप डेफिनेटली इस जीकैम को यूज करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो क्लिक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, काफी बढ़िया बात है, डेफिनेटली इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखना। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, पर जो सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिप पैचर का ऑप्शन है, एस्ट्रोमैक्स टाइम का ऑप्शन है, पोस्ट प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है, नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, लिप पैचर के साथ जो है GPG क्वालिटी, इमेज फॉर्मेट, ऑटो वाइड बैलेंस, प्लस यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर ISO का ऑप्शन है, नॉइस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर सैचुरेशन, प्लस यहाँ पर जो है बेसिकली लिप पैचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, पर जो मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा। लिप पैचर के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रोमैक्स टाइम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 60 सेकंड तक जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर जो है ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर 4:3 का ऑप्शन है, 16:9 का ऑप्शन है। यहाँ पर ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ब्लर का ऑप्शन है, पर सैचुरेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, प्लस बच्चे ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, बट फोकस सेटिंग्स के ऊपर जो है फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फोकस टाइम आउट फोटो का ऑप्शन है। या पर जो नाइट साइड मैनुअल फोकस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मैनुअल फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। या पर जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। या पर सेफ लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोल लेंस को सजेशन ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो। या पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर जो वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो, वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। या पर शटर बटन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद जो जीकैम के साथ अगर कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करके कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। या पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है व्यू फाइंडर के ऊपर जो है मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस देने को मिलेगा। यहाँ पर डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डिफॉल्ट जूम का ऑप्शन है, और व्यू फाइंडर के ऊपर बटन को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर मैनुअल फोकस स्लाइडर बटन है, प्लस जो है LDR बटन को ऐड किया गया है, पर पोस्ट प्रोसेसिंग का जो बटन है ऐड किया गया है, पर फोकस ट्रैकिंग का जो बटन है ऐड किया गया है, पर ग्रिड टाइप का जो बटन है ऐड किया गया है, अलग अलग बटन को एनेबल कर सकते हो, पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम करेगा, ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है एडवांस सेटिंग्स के ऊपर। पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है,
OIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, वीडियो के ऊपर बीट रेट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर वीडियो बीट रेट को इंक्रीज करके जब बच्चे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस यहाँ से आप जो है एक्सएल फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो पर जो डिफरेंटली अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस जीकैम के साथ जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप डिफरेंटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जो अलग अलग गूगल कैमरा का जो वीडियो है उसे भी आप जरूर से चेकआउट करके देखना।